आप सबका बहुत स्वागत करती नमस्कार मैम। हूँ। नमस्ते आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। और ऑफ कोर्स हमें टॉपिक मालूम है, सेलेस्टियल हीलिंग के ऊपर है। आप में से कुछ लोगों को ने शायद मेरे साथ क्लास अटेंड की होगी। मैं यहाँ पर शमानिज्म पे कोर्सेज लेती हूँ गुरुजी ज्ञान में, और मैंने वूम हीलिंग के ऊपर कोर्स लिया है, एंसेस्टर हीलिंग के ऊपर। और आप ये सेलेस्टियल हीलिंग है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप अपने म्यूट रख सकते हैं तो सबको सुनने में सुविधा होगी। सो ऑफ कोर्स दिस इज ये जो कोर्स है, ये हमारे शमानिक जर्नी में एक स्टेप फर्दर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप में से जिन्होंने शमानिज्म नहीं किया है या जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो यह कोर्स नहीं कर सकते। सो एनीवे, बिफोर वी स्टार्ट, सिंस मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं कुछ ऐसे कोर्सेज यहाँ लेती हूँ, और ऑफ कोर्स आप सबको गुरुजी ज्ञान जी के बारे में पता ही है, राजीव जी सर के बारे में, पूनम मैम के बारे में आप सब जानते होंगे। और आपने यहाँ पे, हो सकता है आप सब में कुछ ना कुछ कोर्सेज भी यहाँ पर किए होंगे, राइट? सो ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैं पहली बार देख रही हूँ, पर आप शायद और कोर्सेज में यहाँ पर एनरोल्ड होंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि गुरुजी ज्ञान में बहुत सारे कोर्सेज लिए जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। ज्यादातर सब कोर्सेज जो होते हैं, ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग मोडालिटीज से रेकी है, रामा फेरा है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सब तक वो सब नॉलेज पहुंच सके और हम सब चीजें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके एक दूसरे से, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर इकोनॉमिकली सबको पॉकेट फ्री, पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज मिले, और टीचर्स उनको और पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ वैसा व्यवहार रख सकें जिससे कि वह एक दूसरे के साथ अच्छा आदान प्रदान हो और वह इस जर्नी में आगे बढ़ सके। मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत ही बोलना चाहूंगी। ऑफ कोर्स मेरी शुरुआत रेकी के साथ हुई, और लामा फेरा मैंने किया, एनएलपी है, सीपीटी, फिर मैंने शमानिज्म में और एंसेस्टर हीलिंग और वूम हीलिंग के अंदर ये एरियाज में मैंने अपना फोकस रखा, और इन एरियाज में मैं पढ़ाती हूँ, या इन स्पेशली लाइक फैमिली कॉन्स्टिलेशंस, इस तरह के सेशंस जो कि होलिस्टिक हीलिंग पे डिपेंड करते हैं, सुजोग है, जहां पर हम इमोशनल फैक्टर ऑफ कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर आगे चलते हैं और उसको पूरी तरह से देखते हैं, नॉट जस्ट एज वन पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। जैसे कि कोई सिर्फ फिजिकल डिसीज है तो उसको फिजिकल तरीके से नहीं देखा जा सकता, उसको पूरी, उसका इम्पैक्ट जो है और एरिया से भी आता है। और उस प्रकार से मैंने अपने जो भी हीलिंग मोडालिटीज हैं उनमें उन नजरिए की तरह से वो ध्यान रखते हुए अपने कोर्सेस में हमेशा डिजाइन करती हूँ। तो जब हम सेलेस्टिक हीलिंग की बात कर रहे हैं, सो सेलेस्टियल वर्ल्ड जो है, सेलेस्टियल वर्ल्ड, आपने ये शब्द सुना होगा पहले। आप में से किसने ये शब्द पहले सुना है, सेलेस्टियल, जब हम बात करते हैं? और अगर हम पहले स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा चैत्र मंथ का, चैत्र नवरात्रि का महीना है, उनके दिन चल रहे हैं दुर्गा माँ के, तो आई विल जस्ट प्रे टू दुर्गा माँ के हमारा ये सेशन अच्छा रहे। और जो हमारी विधिवत प्रेयर हम हमेशा करते हैं, सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद दैट। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। जय माता। ओके, सो आप में से किसने, किस किसने सेलेस्टियल वर्ड सुना है? आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, मैं किसी को देख के कुछ उनपे टिप्पणी नहीं करने वाली हूँ। सो आप सब बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, आप सब अपने वीडियोस को ऑन करिए प्लीज।
एक दूसरे को देख सकें तो हम ज्यादा अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज ऑन योर वीडियोस, अनलेस के आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह पे हैं या आप ऐसे स्थान पे हैं या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि आप अपने आप को वीडियो आपका वीडियो ऑन रखें. सो इज इट लाइक कि सबके सब बाहर हैं, सबके सब किसी चीज में व्यस्त हैं, किसी कार्य में बस व्यस्त हैं, इसके कारण वह अपने वीडियोस को ऑन नहीं रखना चाहते हैं. सो शुड आई प्रिज्यूम इट लाइक दैट? ऐसा ही लग रहा है, लगता है ऑडियोज भी ऑफ है, वीडियोज भी ऑफ है, तो कोई बोलना भी नहीं चाहता है. तो ऐसे तो हमारी जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी अगर हम सब शांत रहेंगे, चुप नमस्ते रहेंगे. मैडम, हाँ नमस्ते जी सर. माफ कीजिएगा मैम, थोड़ा ओके किचन में काम कर रहा हूँ इसलिए ऑफ कर रखा है मैंने। नो प्रॉब्लम, कोई बात. वैसे आप किचन में भी हैं तो भी आप ऑन रख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आप खाना खाने को भी देख लेंगे. सो ओके, सो लेट मी स्टार्ट. सो जब हम सेलेस्टियल की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग में से कोई कुछ टिप्पणी या बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहती कि वक्त ऐसे ही जाहिर हो. सो सेलेस्टियल जो बात है, इट इज समथिंग जहाँ हम हेवनली बॉडीज या जो बॉडीज आकाशिक, जो आकाश में होती है, जो ऊपर स्पेस में हमें नजर आती है. तो ऑफ कोर्स अब इतना तो सब लोग कह सकते हैं कि आपको क्या क्या नजर आता है स्काई में, कि स्काई की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, मैडम कोई नजर तारे ही नजर नहीं. आते हैं मैम, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव ओके हाँ वेरी तारा गुड, कभी कभी दिख जाता है मैम। अच्छा बहुत अच्छी बात है. सो ऑफ कोर्स हमारा सबका बचपन से इंटरेस्ट रहता है, हम लोग प्लैनेट्स के बारे में सीखते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में सीखते हैं, कॉन्स्टेलेशंस अलग अलग तरह के सीखे हैं, हमें मालूम है, हमने आर्क एंजल्स के बारे में सुना है. एंजल्स के बारे में भी बहुत सी थेरेपीज होती हैं जिनमें हीलिंग मोडेलिटीज में, जहाँ पे आर्क एंजल्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू या कोई गॉड गॉडेस के थ्रू, कोई ना कोई बड़े हायर सेल्फ, असेंडेंट मास्टर्स या एंसेस्टर्स, इनके थ्रू हमारी हीलिंग प्रोसेस होती है, राइट? हम सब में से शायद काफी लोगों ने आकाशिक भी किया होगा और वो आकाशिक लाइब्रेरी भी गए होंगे. अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने सुना जरूर होगा. सो दीज ऑल थिंग्स, जब हम ये सब चीजों की बात करते हैं, तो ये कहाँ बिलोंग करती है? ये सब बिलोंग करती है अपर वर्ल्ड में, राइट? सो एक तरह से हमारे ऊपर की दुनिया, राइट, जो हम आकाश की तरफ जब ध्यान देते हैं तो हमें जो नजर आता है, और जो नजर नहीं भी आता है तो हमें मालूम है कि वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है. और जहां तक हमारी नेकेड आईज से हम देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड काफी कुछ यूनिवर्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं. सो हम जो दुनिया में रह रहे हैं वह बीच में है, हमारे पैरों के नीचे भी एक दुनिया है और हमारे सर के ऊपर भी एक दुनिया है. सो जब हम ऊपर की दुनिया की बात करते हैं, सर के ऊपर की, दैट इज द अपर वर्ल्ड. सो शमानिज्म में अपर वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड, ये तीन वर्ल्ड्स हैं जिनके बारे में काफी कुछ ज्ञान है. अब अगर आपने शमानिज्म के बारे में नहीं सुना है, तो बेसिकली हमारे जो इंडिजिनियस एंसेस्टर्स, जो बहुत सालों पहले जब इंसान ने इस जीवन को स्टार्ट किया इस धरती के ऊपर, तो उसके प्रकृति के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था. जो भी आसपास उसके जीव जंतु या जो भी प्लांट्स थे या जो भी उस टाइम एग्जिस्ट करता था, वो बहुत तरह से उनसे कम्युनिकेट कर पाता था, उनसे चीजें ले पाता था, आदान प्रदान बहुत आसानी से होता था. अभी तो हम इतने व्यस्त हो गए हैं तो हम बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं या हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इतना एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हम वो भाषा भूल गए हैं जहाँ पर हम उन जीवों से या वो प्रकृति के नियम या प्रकृति के साथ कन्वर्स कर सकें. हम वो भाषा को समझते नहीं हैं, हम वो भाषा को जानते नहीं हैं, और हमारी शायद इच्छा भी नहीं होती कि हम वो भाषा के बारे में जाने, क्योंकि हम प्रेफर करेंगे कि भाई हम फ्रेंच सीखें, स्पेनिश सीखें
इंग्लिश तो हम जानते ही हैं, इंग्लिश और हिंदी. सो इट्स बेटर हम उन चीजों में, बहुत सी चीजों में को यूज करके फिनेंशियली फिजिकली अपने आप को बहुत अच्छा काबिल बना सकते हैं. जानवरों से, जीवों से, प्लांट से बात करने से हमें क्या मिलेगा? कुछ हासिल नहीं होगा. सो वाई टू डू ऑल दैट थिंग. लेकिन जब पहले जमाने में लोग रहते थे, या जो मैं उनको पहले जमाने कहूंगी क्योंकि जमाना बदल चुका है, सो देर वॉज अ टाइम वेन सच पीपल एग्जिस्टेड. और ऑफकोर्स उनके ट्राइब्स के लोग आज भी हैं, उनके लीनेज के लोग आज भी हैं, पर उस समय में जो इंसान ऐसे होते थे जिनको इन चीजों से बहुत लगाव था और वो बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाते थे इन जीवों से, या इन, इन, इन जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आसपास फिजिकल में, तो वो ऐसे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते थे. वर्ल्ड में मतलब, क्योंकि हम जानते कि हम यहाँ पर स्थित हैं जो हमारी धरती है, सो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है. अब ऊपर या नीचे मुझे जाना है या कुछ पता लगाना है, तो उसके लिए मुझे वहां उनके स्पिरिट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट? जो भी वहां पर है. अगर आज मैं सन के बारे में बात करती हूँ, मून के बारे में बात करती हूँ, या प्लैनेट के बारे में भी कोई भी बात करती हूँ, तो आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू द, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी. हम सब जानते हैं कि आसपास हम खुद पूरे एनर्जी फील्ड में हैं, एनर्जी हमारे आसपास है, हर चीज में है एनर्जी. तो हम जब वह एनर्जी के साथ ट्यून इन हो पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, तो हम जो हमारे को ज्ञात नहीं है, जिस बात का हमें अंदाजा नहीं है, और हम में कुछ चीजों को लाना है, समझना है, या कुछ चीजों को ठीक करना है अपने अंदर, मे बी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मेंटल इश्यूज, एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स, और आर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. हम जिंदगी में जहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, किस चीजों के जवाबों के आंसर चाहते हैं, तो हम वो उस टाइम पे इस इन चीजों, इन जगहों पर ट्रैवल कर पाते थे. अब ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियसली आप, ऐसा तो नहीं है कि गड्ढा खोद के नीचे घुस जाएंगे और नीचे जाकर आप बैठ जाएंगे, या आप आसमान में उड़ जाएंगे और वहां पे पहुंच जाएंगे. सो दे हैड सम पावर्स द बाय विच वो ट्रांस में जा पाते थे. पावर्स आई विल नॉट से, पावर विल नॉट बी द राइट वर्ड, बट उनके पास ये टेक्निक्स थी या तरीके थे कि वो ट्रांस के अंदर जा पाते थे. ट्रांस मतलब जहां पे आप अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस हो जाते हैं, जहां आप सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, और आप वह चीज के, चीज से कनेक्ट हो जाते हैं. वो जो भी है आपकी जो फिजिकल रियलिटी है, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका ध्यान कहीं और है, आपकी जो दिमाग है वो कहीं और ट्रेवल कर, राइट? सो दैट इज हाउ योर माइंड, योर थॉट ट्रेवल्स एवरीवेयर. हो सकता है वो अभी ऑफिस में पहुंच गया, हो सकता है वो आपके बच्चे के स्कूल में पहुंच गया, हो सकता है वो कहीं पे भी. सो वी नो कि आर माइंड कैन ट्रेवल, आर थॉट्स कैन ट्रेवल विदाउट आर फिजिकली ट्रेवलिंग, राइट? सो उसी प्रकार से वो ट्रांस के द्वारा उस माइंड से, वहां से वो ट्रैवल कर पाते थे, और वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच पाते थे जहां पे वो खुरेद कर, निकाल कर वो चीजों को ला पाते थे जो कि उनके क्लाइंट के, या उनके कम्युनिटी के, या ट्राइब के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन होती थी. सो दे वर कॉल्ड द शामंस. सो उनको मेडिसिन मैन कह सकते हो, या वो एक प्रकार के ऐसे जने थे जो कि हर कोई रूप धारण कर सकते हैं, हर कुछ कार्य करने में सफल हो सकते हैं. पोएट्री उनको आती थी, म्यूजिशियंस थे, अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु कुड एंटरटेन, हु कुड लुक आफ्टर, हु कुड डू एनीथिंग, राइट? सो ये इस तरह के लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स आज की दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके थ्रू हमको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ यहाँ तक पहुंचा है, बहुत कुछ असेंबल किया गया है, डिकोड किया गया है, और उसको स्प्रेड किया गया है लोगों तक. तो उसमें ऑफ कोर्स जो लोग उनके लीनेज को बिलोंग करते हैं, या वो खुद पैदा हुए ऐसी फैमिलीज में उन्होंने किया, या हमारे अंदर कुछ अवेकनिंग हुई, हम ऐसे गुरुओं या लोगों के टच में आए जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया, और उनके थ्रू हम यह सब सीख. प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई वुड अप्रिशिएट दैट. इसका
ओके, सो हम उनके थ्रू यह सब ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, या हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आई हैं जिन्होंने हमें झंझोड़ दिया और हम ऐसी अपने लाइफ में वो पाथ पर चल पले चल पड़े हैं जिससे कि हम यह नॉलेज अक्वायर कर सकें, राइट? सो आज जो हम सब में लोग आए हैं और सेलेस्टियल हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम में से ज्यादातर सब लोग ऐसे ही हैं जो कि इस लीनेज को नहीं बिलोंग करते हैं। हम पैदाइशी उस जगह से नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स हुए हों लेकिन ब्रेकेज हुआ और वह कोई और प्रोफेशन में चले गए और इसकी वजह से हम उस प्रकार से नहीं हैं। पर कहीं ना कहीं हमने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, समझी हैं, या हमें इस प्रकार के लोग मिले हैं जिनसे जुड़कर हमने वह इंफॉर्मेशन अक्वायर की है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम शामन्स बन जाते हैं, हम सिर्फ एक प्रैक्टिशनर बनते हैं जो हम सीखते हैं वह चीजों को कैसे जीवन में ढाल के हम उससे अपने जीवन को सुधार सकें। सो दैट इज दिस कोर्स विल बी जो सेलेस्टियल हीलिंग कोर्स है। जब हम अपर वर्ल्ड जर्नी की बात कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से वो जो चीजें हमारे ऊपर हैं वो एक्सेस करें, उन तक पहुंच पाए, उन तक उनकी एनर्जीज को ट्यून कर पाए और उनकी एनर्जीज को अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सके। दैट इज द पर्पस ऑफ द सेलेस्टियल हीलिंग। सो द क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है कि सेलेस्टियल हीलिंग क्या है, जो मैंने अभी बात की, और क्यों हम सेलेस्टियल हीलिंग करें ऑब्वियसली, और हमें अगर सेलेस्टियल हीलिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, क्या टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, राइट? सो जो मैंने आपको बताया कि सेलेस्टियल जो है वर्ल्ड, तो उसका मतलब है कि वो दुनिया है जहां पर हमारे ईश्वरीय शक्ति, जिनको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, हायर असेंडेंट मास्टर्स बोलते हैं, या जो स्पिरिचुअली हमारे जिनको हम पूछते हैं, जिनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, जो हम जानते हैं जिनके पास असीम पावर्स हैं, तो वह सब और जो भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं और जो अदर सेलेस्टियल एनर्जीज हैं, वो सबका कंपोजिशन जो है वो है अपर वर्ल्ड। सो जब हम मैंने बात अभी आपको बताया कि जो हम शामन्स हैं या शामनिक, सॉरी आई एम नॉट अ शामन बट आई एम अ शामनिक प्रैक्टिशनर, तो हम जो सब हैं वह सब विभाजन, ये तीन वर्ड्स का है, ऑफ कोर्स एक स्मॉल लाइन है बिटवीन द थ्री वर्ड्स, लेकिन उसके द्वारा वहां पर चीजें अलग-अलग हैं, भिन्न प्रकार की, राइट? क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम जिस तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिस तरह की चीजें देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, मोबाइल फोन्स देखते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं, क्या वही सब चीजें ऊपर भी स्थित हैं और नीचे भी स्थित हैं? ऑफ कोर्स ये कोर्स हमारा सिर्फ अपर वर्ल्ड के बारे में होगा, मैंने लोअर वर्ल्ड के ऊपर भी कोर्सेज लिए हैं, पर उसमें हमने लोअर वर्ल्ड की जर्नीज की हैं। तो हम जब अपर वर्ल्ड की बात करेंगे, तो हम अगर अपर वर्ल्ड को देखें तो वो बहुत ही एक स्काई, आपने अगर थीटा हीलिंग भी की होगी और बहुत से आकाशिक रिकॉर्ड्स किए होंगे, तो हम जब ऊपर जाते हैं आकाश की तरफ, तो वहां पर जो एटमॉस्फियर है, जो तरीके का वातावरण है, वो काफी स्पेशियस, विस्पी और फ्लोटी है, राइट? और ऐसा हो सकता है कि वहां पर हमें कुछ वैक्यूम्स या कुछ तरह की ऐसा एरियाज दिखाई दे जहां पर कि कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा है, एकदम अलग पना, क्योंकि हम इतने यूज्ड टू है ना, इतने हसल पसल और इतने ऐसी दुनिया की। पर उसके बावजूद वहां पर रंग बिरंगे कलर्स, बहुत तरह के, और ये कलर्स सिर्फ हमें हमारे हिसाब से नहीं है या शामन्स ने ही नहीं रिपोर्ट किए, बल्कि हम जानते हैं कि इवन नासा जो है, जब वो पब्लिश करता है, या एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो गए हैं, तो उन्होंने देखा है वहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की लेयर्स हैं, जहां पर कुछ डिम लाइट्स, डार्क लाइट्स, कुछ सतरंगी लाइट्स, इस प्रकार से है। सो वहां पर भी थोड़ा बहुत नेचर है जैसे हमारे इधर है। मे बी हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स ना हो, लेकिन कुछ प्रकार के गार्डन्स, माउंटेन्स वहां पर भी हैं। वहां पर भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ वहां के एनिमल्स, हमारे लोअर वर्ल्ड के एनिमल्स में थोड़ा अंतर है या फर्क है।
तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलेगी जब आप अपर वर्ल्ड के बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे जब इस कोर्स में। और ऑफ कोर्स वहां पर हमारे जैसे ही स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने यहाँ मंदिर, मस्जिद, अलग-अलग गुरुद्वारे और चर्चेस बनाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली देर इज ये रेप्लिका है वो अपर वर्ल्ड का। सो हमने कहीं ना कहीं वो रिक्रिएट किया है इस दुनिया में। सो जो अपर वर्ल्ड है वहां पर भी हमारे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं, बट मे बी मे नॉट बी द स्ट्रक्चर्स लाइक हाउ आजकल स्काईस्केपर्स हैं या बड़े बड़े इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उस प्रकार से नहीं, लेकिन एक तरह की सेलेस्टियल बिल्डिंग्स वहां पर है और ह्यूज लाइब्रेरीज हैं, हो सकता है हॉस्पिटल्स की तरह की भी चीजें हों। सो देर आर वर्कशॉप्स, थिंग्स, देर आर पीपल देयर, नॉट सो मेनी बट देर आर पीपल हु आर एंसेस्टर्स आर देयर, असेंडेंट मास्टर्स। सो यहाँ की तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कंप्यूटर्स नहीं होंगे, कार्स नहीं होंगे, टेलीविजन्स नहीं होंगे, मोबाइल फोन्स नहीं होंगे, लेकिन वहां पर बहुत सी चीजें हैं जो हम यहाँ पर भी एक्सपीरियंस करते हैं। सो जब हम अपर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपर बोलते हैं, जब हम ऊपर बोलते हैं कोई चीज को तो हमको लगता है ऊपर मतलब वो चीज ज्यादा बेहतर है, वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज ज्यादा देखने में सुंदर होगी या हमसे ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एज पर शमानिज्म जो सारी चीजें हैं दुनिया की, चाहे वह अपर वर्ल्ड हो, लोअर वर्ल्ड हो या मिडिल वर्ल्ड, वो एक बराबर है, एक स्तर पर। ऐसा नहीं है कि वहां पर लोअर वर्ल्ड की अगर हम बात करें जो धरती के नीचे है, या जिसको आप अंडरवर्ल्ड भी बोल सकते हो या पाताल लोक भी बोल सकते हो, कि पाताल लोक अपर वर्ल्ड से कम है दर्जे में या कहीं ना कहीं छोटा है, ऐसा नहीं है। उल्टे शमानिज्म में लोअर वर्ल्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जब धरती के नीचे जाते हैं तो हमारा ये कनेक्शन जो मदर अर्थ से है, जो फेमिनाइन एनर्जी से है, जहां पर हम मदर अर्थ को एक फेमिनाइन यिन एनर्जी का बात बोलते हैं, तो ये एनर्जी जो है उसका एसोसिएशन हमारे सोल के साथ है। तो हम जब भी नीचे की एक्टिविटीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोल से कनेक्ट करते हैं, अपनी ट्राइब से कनेक्ट करते हैं, सोल ट्राइब से कनेक्ट। लेकिन जब हम अपर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली उसको एक फादर की फिगर की तरह देखते हैं, अ फिगर जो ये यांग एनर्जी है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है और जो हायर सेल्फ की एनर्जी है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वह ऊंची है और नीचे का हिस्सा जो है वो कम है। दे आर ऑल द सेम, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कहाँ पे क्या प्लेस्ड है और कहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है और हम क्यों, किस लिए, किस कारण से कहाँ पे जाना बेहतर समझते हैं, राइट? सो जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया, तो इसके लिए जब हम अपर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम हायर प्लेसेस की बात कर रहे हैं, हम हीलिंग की भी बात कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली वहां स्पिरिचुअल पाथ के लिए। अब काफी लोग हैं हम में से जो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसे चल रहा है, तो जीवन में चीजें क्यों बराबर तरह से नहीं, क्या चीजें हमें लाइफ में करनी चाहिए, क्या मकसद से हम इस दुनिया में आए हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमें किस तरह के प्रोफेशन में काम करना चाहिए, किस तरह की चीजों को अपनाना चाहिए जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सके या हम चीजों को सही कर सके, या हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कर्सेस हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ प्रॉमिसेस हैं, कुछ ओथ्स हैं जहां पर हम अटके हुए हैं जिसके कारण, तो यह सब चीजों के जवाब जो है वह आप ऊपर अपर वर्ल्ड में जाकर ले सकते। ओके, सो इसके लिए हम जब बात कर रहे हैं अपर वर्ल्ड की, सो हम किस प्रकार के प्रश्नों के जवाब आसानी से वहां ढूंढ सकते हैं, वो है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के चीजों का के निर्णय लेने हैं, किस प्रकार के एक्शंस लेने हैं, हम किस प्रकार की चीजों को अपनाएं या किस प्रकार की चीजों को ठुकराएं जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो अब जब हम इस प्रकार के जीवन के क्वेश्चंस को आंसर लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ना ही हमारा जीवन सफल होगा, हमारा भी, हमारे आसपास के लोगों का भी,
और हम ह्यूमैनिटी को भी इस पर्पस में हेल्प कर सकते हैं। तो ये है सेलेस्टियल हीलिंग, सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, आप कम्युनिटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जगह पे इट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, नॉट जस्ट के आपकी है पर और सबकी भी जो इंफॉर्मेशन है या डिटेल्स है वो हर जगह पर अवेलेबल है। सो हम ये किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम जाते हैं? तो एक तरह की हमारी जर्नी, जर्नी मतलब हमको ट्रैवल करना है, आपको यहां से हिलना कहीं नहीं है, आप अपनी जगह अपने स्थान पर ही बैठे हैं, सिर्फ आप एक मेडिटेशन में जाते हैं। यह मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन होती है जिसमें के आपको क्या क्या इसके बाद होने वाला है वो पूरी तरह से उसका विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। तो आप उस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और वह क्रिया में आगे सफलता पाते हैं। पर ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप बैठ गए और आप उस सोच विचार में गुम गए और आप उसके आगे भूल गए कि क्या करना। तो इसमें आपका अवेयरनेस कॉन्शियसनेस पूरी तरह से रहनी चाहिए, जिससे कि आप क्या हो रहा है आपके साथ, आप क्या देख रहे हो, आप क्या अनुभव कर रहे हो, आपके सामने कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, वह सब चीजों का नोटिस आपको करना। सो मेंटली यू हैव टू बी अवेक, इट्स नॉट दैट यू आर स्लीपिंग इन दैट मेडिटेशन, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर काम, यू आर गाइडेड, बट हर जने का एक्सपीरियंस अपने हिसाब से अलग अलग। इसके बावजूद कि आप सेम ट्रैक पे जा रहे, सेम रोड मैप पे जा रहे, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो क्या आपके साथ होता है, क्या देखते हो, वह सब आपके ऊपर है, वह सब आपके। तो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि आप इमेजिन कर रहे, आप बहुत सी चीजों को अपने आप कुकअप कर रहे हो, बहुत सी चीजों को आप बना रहे हो, आप बहुत सी चीजों को अपने आप ऐसे ही करके देख रहे हो क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि आपके फैक्ट्स, आपकी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो काफी फर्क हैं दूसरे जने से, और कुछ ऐसी चीजें आपके सामने व्यक्त आ रही हैं जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो चीजें कुकअप नहीं है, वो चीजें रियलिटी। सो इट इज इसके वजह से जर्नी के ऊपर में हमको ध्यान पूर्वक वो जर्नी करनी होती है विद अ फुल कॉन्शियसनेस, बट वी आर इन ट्रांस। सो ट्रांस में जाने के लिए मतलब आपको इस दुनिया से एक तरह से ट्रांसपोर्ट होने के लिए उस रियलिटी में जहां पे आपको यह चीजों को देखना है, समझना है, वह एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कभी कभी म्यूजिकल चीजें भी प्ले की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रमिंग। सो आपने शमानिक ड्रम्स और ये सब सुने होंगे, रैटल्स हैं, शमानिक ड्रम्स हैं, ये सब प्ले होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने अपनी क्लास में देखा है कि बिकॉज हमारे साथ हीलिंग के काफी लोग रहे हैं वो बिना इतना ये करने के बावजूद भी ट्रांस में चले जाते। सो हम ऑटोमेटिकली उस स्पेस में ट्रैवल कर लेते हैं जहाँ पे हम उन चीजों से कनेक्ट होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और काफी कुछ हीलिंग हो जाती है। सो आप जब वो स्पेस में होते हो आपको हीलिंग इंस्टेंट होती है, शमानिज्म की हीलिंग काफी फास्ट होती है, काफी अच्छी होती है, बट इट कैन हैपन कि आपको कुछ ज्यादा सेशंस लेने पड़े क्योंकि कभी कभी कुछ जवाब या कुछ चीजें जिनकी खोज में आप गए हो वो आपको एकदम से ना मिले। तो हो सकता है कि आपको उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फिर भी जो भी हीलिंग होती है वो काफी एडवांस लेवल पे होती है। और जब हम कोई भी जर्नी को खत्म करते हैं उसके बाद हम उसकी जर्नलिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक किताब रहती है और उसके अंदर हम वो सब लिखते हैं जो हमने वहाँ एक्सपीरियंस किया, हमने वहाँ देखा, जिससे कि वो एक रिकॉर्ड की तरह हमारे से पास बन जाता है और वह हमें हमारी चीजों को समझने में, क्योंकि उस समय में जब हम चीज को एक्सपीरियंस करते हैं या हम कोई चीज देखते हैं या कोई चीज हमारे सामने आती है, थोड़ी देर बाद वो चीज हम भूल जाते हैं। हम सब जब सो के उठते हैं तो हमको सपने में क्या देखा हमको याद नहीं रहता, राइट? सो ये जब आप कर रहे हैं, ये जो भी चीजें कर रहे हैं, ये थीटा वेव, थीटा लेवल पे है जहां पर आपकी वेवलेंथ जो है वो बहुत काम और रिलैक्स हो गए, उनकी साइकिल्स बहुत स्लो हो गई है। तो उसमें उस जगह पे आपको वह चीज को से कनेक्ट हुए, पर जब आप वापस आए तो आप इंस्टेंटली अपनी चीजों को जब लिख लेते हैं तो आप वो उन्हें कभी भूलते नहीं,
आपको वो चीजें याद करने के लिए या देखने के लिए आप उन चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या आपने देखा, और फिर आप खुद ही इंटरप्रेट कर पाते हैं कि वो चीज क्या मायने रखती है, क्या बोल रही है। क्योंकि जो चीज आप वहां पे एक्सपीरियंस करोगे, ऑब्वियसली आप वहां पे देखोगे, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके आपकी लैंग्वेज में होगी, वो आपके तौर तरीके में होगी, या आप जिस तरह से चीजों को देखते हो समझते हो वैसी होगी। दे मे बी इन फॉर्म ऑफ अ सिंबल, दे मे बी इन फॉर्म ऑफ अ टोन, दे मे बी इन फॉर्म ऑफ सम एक्शन, दे मे बी इन फॉर्म ऑफ सम क्रिस्टल या कोई कलर या कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो वो चीज का अंदाजा, कोई पेड़, कोई पत्ता, कोई जो जो चीज है, तो वो चीज आप जब उस पर बाद में गौर करते हो तो वो चीज को समझ में आता है। बट ऑफ कोर्स इन द क्लास आल्सो हम वो चीजों को डिकोड, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो चीज का क्या मतलब है या क्या वो कह रहा है, राइट? सो अब हम ऊपर, हमको जाना है तो हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे? कोई भी जगह पे आपको जाना होता है तो उसके लिए आपको कोई दरवाजा तो चाहिए होगा ना, कोई एंट्रेंस तो चाहिए होगा, आप ऐसे ही तो कहीं पे घुस नहीं सकते, राइट? सो किसी भी चीज में आप जब घुसते हो, सो देर इज अ मेथडोलॉजी, देर इज अ वे ऑफ गोइंग देयर, वहां तक पहुंचने का एक तरीका होता है। उस तरीके को अपना कर ही उसको, उसके द्वारा ही आप वहां पहुंच सकते हैं। तो ज्यादातर हमारे जो पर्पस, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है पेड़। जैसे कि पेड़ होता है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो बीज का हिस्सा है और उसकी जो रूट्स हैं, यह हमारे तीनों वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम नीचे की रूट्स की तरफ ध्यान देते हैं तो वो रूट्स जाता है धरती के अंदर, सो दैट रिप्रेजेंट्स दी अंडर वर्ल्ड या दी लोअर वर्ल्ड। जब हम ट्रंक की बात करते हैं तो वह दुनिया है जहां पर हम स्थित हैं, जो कि मिडिल वर्ल्ड है। बट ऑफ कोर्स हम जब शमानिक वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो शमानिक मिडिल वर्ल्ड अलग होता है, नॉट द वर्ल्ड जहां हम हैं। देर इज अ शमानिक मिडिल वर्ल्ड। फिर ये जो ब्रांचेस हैं वह कहीं ना कहीं ऊपर की दिशा में जा रही, वह अपर वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही। सो उनका जो कनेक्शन है उसके थ्रू ही हम अपर वर्ल्ड जा सकते। सो आप यहाँ पर एक तरह की चीज हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेस मुंडी, जो हमें पता लगानी होती है, हर किसी की अपनी अलग होती है, उसके थ्रू वो लोअर वर्ल्ड में जाता है और वह पेड़ के थ्रू ऊपर जाता है। लेकिन कुछ लोग, हो सकता है पेड़ के थ्रू ना जाना चाहें, वो चाहें कि वह कोई पक्षी के द्वारा ऊपर जाए, या वो कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाए और बिल्डिंग के थ्रू वो छलांग लगाए। सो कोई भी चीज इनमें से आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंट, हम अलग अलग तरह की एस्ट्रल एक्सरसाइजेस करते हैं और उसमें अलग अलग तरह के तरीके अपनाते हैं जिस तरह से हम वो एस्ट्रल एक्सरसाइजेस करें। तो आप, ये है विस्तार पूर्वक हमारा जो ये कोर्स के अंदर आप सीखेंगे। सो बेसिकली आपको यह तीनों वर्ल्ड जो मैंने अभी बात की उनके बारे में बताया जाएगा, वो वर्ल्ड क्या क्या है, क्या क्या वहां पर है उसके बारे में। फिर हम अपर वर्ल्ड पे ही फोकस करेंगे, तो अपर वर्ल्ड हम कैसे जाएंगे, कैसे वहां की एंट्रेंस को ढूंढेंगे, कैसे हमारी वहां के पे चीजें होती हैं, किस प्रकार से, जैसे कि एक प्लेन आकाश में उड़ता है, उसका एक रोड मैप, उसका एक मैप होता है जिसके द्वारा उसको एक रूट फॉलो करना होता है, उसी प्रकार से हमारा एक रूट होगा जब हम ऊपर की तरफ जा, राइट? और वहां पे किस प्रकार से अलग अलग लेयर्स आती हैं, अलग अलग लेवल्स आते हैं जिनको आप क्रॉस करते हुए ऊपर जाएंगे, उसमें आपकी मदद कौन करे? तो उसमें आपकी मदद करेंगे पावर एनिमल और अपर वर्ल्ड स्पिरिट गाइड। तो यह होते हैं जो हर किसी के अपने एक पावर एनिमल या अपर वर्ल्ड स्पिरिट गाइड होते हैं, जो उनको उनके उस जीवन में, उनके जर्नी में, जीवन की कठिनाई में, जीवन में जो भी मकाम पर वो आज है उसके हिसाब से उनके हर एक के एक पावर एनिमल होता है। तो वो आपको कैसे फाइंड आउट करने का, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कौन होगा, आप अपने आप वो गैस वर्क नहीं कर सकते, तो वो आपको सब सिखाया जाएगा। कैसे आप अपने अपर वर्ल्ड गाइड को मिलेंगे, गाइड मतलब जो आपको निर्देशन करेगा, आपका जो आपको रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा, जो आप जिसके बाद जिसको उस जगह की
मालूमात है, उसके बारे में पता है, राइट? सो वह जर्नी हम जब करेंगे तो हमारा एक ट्री ऑफ लाइफ है जिसके थ्रू हम करते हैं, हम अपना यूनिवर्स, हमारा वो ऊपर का हिस्सा कैसे दिखेगा, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की चीजें हैं। सो एक क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है। देखिए, हम सब माइथोलॉजी जानते हैं, हम सब ने भगवान के बारे में सुना, ईश्वर के बारे में सुना, एंजल्स के बारे में सुना। हमारे हिसाब से अगर हम हिंदू हैं तो हमारे भगवान ईश्वर, जो ईश्वर हैं वो अलग हैं, अगर मुसलमान हैं तो उनके ईश्वर अलग है, मतलब नाम अलग है, उनके पोशाकें अलग हैं, तरीका दिखने का, दिखते कैसे हैं, वो सब अलग है। तो जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हम यहाँ पे सुनते हैं, चाहे वह गणेश की किताबें हो, चाहे वह दुर्गा जी के बारे में हो, चाहे वह कृष्ण के बारे में, वो जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें वह भगवान भी वैसे ही दिखाई देते, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फॉर्म में देखने की आदत हम सबको है, जो हमारे रिप्रेजेंट करता है हमारे ईश्वर। हम एक फॉर्म में, एक बाउंड्री के अंदर, एक तरीके से देखने में हमको अनुभव करने में आसानी होती है। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट चीज को कोई दे दिया जाए, बोले भगवान एक सिर्फ लाइट है जो पूरी स्प्रेड है, जो कलरफुल है, जो आपको, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और भगवान की लाइट और वो जो उनकी एनर्जी है, वो इतनी ज्यादा वाइब्रेंट है कि कहीं ना कहीं हम उसको झेलने या देखने के लिए हमारी आंखें उस प्रकार से नहीं है। सो हम उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है हमको वो सब चीजों को ऐसे देखना। तो इसलिए जो भी हम चीजों को यहाँ सुनते हैं, जो भी कथाएं हमने सुनी, जो भी हमको सुनाया गया बचपन से, बताया गया है, कहीं ना कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऊपर देखते हैं, उसी प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। सो आपको वो माइथोलॉजी को छूटा नहीं मानना, गलत नहीं मानना, कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों को अपने साथ लेकर वहां चलेंगे। सो दे विल बी अवर यूनिवर्स विच यू विल सी। आप आकाशिक लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे रिकॉर्ड्स हैं, वहां पे चीजों को आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। आपसे क्या चीज आपको बदलनी है, क्या चीज को देखना है, क्या चीज को समझना है, उसको भी करेंगे, और वह ईश्वर को भी मिलेंगे। तो देर इज अ एक्सरसाइज जहां आप ईश्वर के सामने आएंगे, और ईश्वर को कैसे आप इन्वोक, उनको इवोक करते हैं। सो देर विल बी डिफरेंट टेक्निक्स, कैसे आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे आप उसको अलाउ करते हैं अपने अंदर आने में, किस प्रकार से आप वो सारे एंजल्स को, आर्क एंजल्स को मिलते हैं। सो आर्क एंजल्स हैं, 10 सेपोई ऑफ ट्री ऑफ लाइफ है, मेट्राटॉन है, अलग अलग तरह के लूसीफर, बड़े बड़े एंजल्स, आर्क एंजल्स, वो सबको भी आप मिलेंगे। उनके साथ कैसी रिचुअल्स करने की, कैसी सेरेमनीज करने की, क्योंकि शमानिज्म में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि हमारे वैदिक कल्चर, हम फायर सेरेमनीज करते हैं, बहुत सारे वाटर सेरेमनीज करते हैं, अर्थ सेरेमनीज करते हैं, वही सब सेरेमनीज कहाँ से आ रहे, सब हमारे पूर्वजों से ही तो आ रही। कहीं ना कहीं हम उनको भूल गए हैं, या हमने उनको अलग अलग तरह से अपना लिया है, अलग अलग तरह से उनको बदल दिया है, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे इंडिजिनस ट्राइब से है। सो शमानिज्म ज्यादातर नेटिव अमेरिकन्स, साइबेरियंस, मंगलोरियंस, नेपाल, बुद्धिस्ट, ये सब कंट्रीज में बहुत प्रेवलेंट है। हमारी कंट्री में भी आप अंडमान निकोबार, जहाँ पे पुरानी ट्राइब्स हैं, वो जो किस तरह से वो सन से, मून से, नेचर से, अर्थ से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उनकी भाषा को समझते हैं, हर जानवर को, चाहे वह उसका शिकार भी करे तो भी वो उससे बात करते हैं, उसके बलिदान को समझते हैं, उसको वह इम्पोर्टेंस देते हैं। दैट इज वॉट इज दिस, जहाँ पे हम हर इंसान, हर जीव, चाहे वो ऑब्जेक्ट भी हो, उसकी एनर्जी को समझे, उससे कनेक्ट हो, उसको उसकी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दें, एक ग्रेटफुलनेस रखें। सो ये सब फीलिंग्स पहले लोगों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें बदल गई। हमने अपने आप को ऐसा बना लिया कि हम क्रूर बन गए, हम राजा बन गए, हम लोगों के ऊपर रूल करते हैं, हम लोगों के से जवाब मांगते हैं, चीजों को अपने से नीचा समझते। सो वहां बदलाव जो आया है, उसके कारण ही हमारे धरती में इतना बदलाव हो गया है, या चीजें उथल पुथल हो गई। तो जब हम ये सब प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो संतुलन को वापस ला रहे हैं, चीजों को वापस परिवर्तन कर रहे हैं उसमें। ये नहीं कि हम पिछवाड़े जा रहे हैं,
पीछे जा रहे, हम चीजों में आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन विद द राइट काइंड ऑफ माइंड सेट, विद द राइट काइंड ऑफ फीलिंग, राइट काइंड ऑफ वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. सो यहाँ पे स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं, प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे, आप ये सारे जो आपने पढ़े हैं, चाहे वह मरकरी हो, वीनस हो, मार्स हो, जुपिटर हो, वह सबको भी आप पढ़ेंगे, उनके बारे में कैसे उनसे कनेक्ट होना, कैसे उनकी एनर्जी को मिलना, किस प्रकार से वहां पहुंचना, किस तरह से. सो बहुत सी चीजें जो इनका हमें ज्ञात है, बहुत सी चीजें जिनके हमें शायद अंदाजा नहीं हो, वह सब चीजें भी हमें इस दौरान मिलेंगी. मून है, मून की रिचुअल्स हैं, सेप्टागम है, यूनिवर्सल एनर्जीज जितनी भी हैं उनसे हमारा मिलाप होगा और हम उनसे, उनके साथ आगे बढ़ेंगे. सो दैट इज द थिंग, ये मेरा कोर्स है. अफकोर्स अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा, सो वी विल डू वन लिटिल एक्सरसाइज, लेकिन ये 16 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है, 2 महीने का कोर्स है. ट्यूसडे और सैटरडे, संडे को 11 बजे इसका क्लास होगा. सो दिस इज द जो आपका है, और ये आपका कोर्स की फीस की डिटेल्स हैं. अगर आप एक्सिस्टिंग मेंबर हैं तो आफ्टर आफ्टर डिस्काउंट आपका 3,500 है, और अगर आप न्यू मेंबर हैं जिन्होंने पहली बार आप यहाँ पे एकेडमी से एसोसिएटेड हुए हैं, तो 4,500 आपका कोर्स है, कोर्स का फीस है 2 महीने का. राइट, सो आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है वो पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद हम. हाँ जी, बोलिए प्रमोद जी. नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते. एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि मैं जब भी मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मेरे पैर में इतने दर्द होते हैं 15-20 मिनट के बाद कि मैं मेडिटेशन में कर ही नहीं पाता हूँ। आज नहीं, बहुत देर से ही मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब वैसे आपको पैर में प्रॉब्लम नहीं रहता है, सिर्फ नहीं रहता मेडिटेशन है, के दौरान. मेडिटेशन करता हूँ तो 10-15 मिनट या आधे घंटे तक के मैं डीप तक के जाता हूँ, उसके बाद जैसे होता है तो मेरे को बैठने को नहीं होता है। तो ये मतलब नहीं, मैं क्या जानना चाहती हूँ कि ऐसा है कि आप वैसे भी अगर कुछ जगह पे बैठे, चाहे वह 10-15 मिनट है, तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है? नहीं, मैं पूजा में बैठता हूँ तो 2-3 घंटा बैठता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ओ ओके, अच्छा. तो ओके, पूजा में बैठते हैं तो आप आंखें बंद करके बैठते हैं? आंखें बंद करके बैठते हैं और जाप जो करते हैं तो जाप करने के टाइम आंखें बंद ही होते हैं। ओके ठीक है. आप मे भी, मतलब ऐसा मुझे एनर्जेटिकली आ रहा है कि शायद आपके अंदर कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहां पे आपको लगता है कि ये मेडिटेशन जो है उसका कोई फायदा नहीं है. नहीं, ये चीज ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इसको बहुत मानता हूँ ठीक है, आप इसको मानते हैं, ओके. जी। आप ये टेस्ट करके देखिए, मैं जो आपको बोल रही हूँ, आप पूजा करते हो, आपको पता है कि पूजा से क्या का मकसद क्या है, आप किसके लिए पूजा कर रहे हो? अपना हो ये एनर्जी सबको बढ़ाने के लिए जो भी है। ठीक है, आप अपने एनर्जी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पूजा कर रहे हो, राइट. पूजा में आप जाप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, राइट, है ना. आप अगर जो अपनी मेडिटेशन है वो भी एक पूजा ही है ना, राइट. तो आप उसको अगर ये बोलोगे कि ये मेडिटेशन नहीं है, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, अपने माइंड को ऐसा बोलो, जो मैं कर रहा हूँ वो मेडिटेशन नहीं है, पूजा है, पूजा है. और वो ओके मेडिटेशन में आप उस तरह सोच से बैठो, जरा टेस्ट करके देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, फिर मतलब आप ये मुझे. कैसा मेडिटेशन, जैसे अगर मान लीजिए मैं उसमें मेडिटेशन करता हूँ तो चेयर पे बैठता हूँ, या तो फिर वो पूजा करने के टाइम तो जमीन पे आसन बिछा के बैठना होता है, तो इसमें फर्क होता है या क्या फर्क होता है, वो मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया। नहीं, आप मेडिटेशन के लिए कहाँ पे बैठते हैं? अभी चेयर पे भी बैठ सकते हैं ना, मेडिटेशन अभी आप करवाएंगे तो चेयर पे बैठा रहे। हाँ, तो मैं वही आपसे पहला प्रश्न मैंने यही पूछा था ना कि क्या आप जो बैठते हो, क्या उसका स्टाइल में डिफरेंस है. तो अभी आप बोल रहे हो कि आप जब मेडिटेशन करते हो आप चेयर पे बैठते हो, और पूजा करते हो तो आप नीचे बैठते हो.
राइट। नीचे भी बैठने का भी टाइम में मैं देखा, नीचे भी बैठने के टाइम में भी करके देखा, तो समय भी मतलब वही यही प्रॉब्लम होता है। मैं वही कह रही हूं, तो आपका माइंड को कहीं ना कहीं ये डिफरेंस मालूम है कि ये मेडिटेशन है और ये पूजा है ना, करेक्ट। आप अगर अपने माइंड को ये बोलो, देखो कोई भी फीलिंग आप जो फील करते हो, कोई भी चीज को आप एक्सपीरियंस करते हो, वो एक्सपीरियंस करती है ऑन द बेसिस ऑफ के माइंड उस चीज को कैसा सोच रहा है, राइट। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो वो चीज से मैं जल्दी बोरियत बोर हो जाता है, राइट, क्योंकि मेरे माइंड को लगता है कि इस चीज से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। मुझे हाँ इस चीज में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए बेकार है, राइट और नो, ऐसा होता है सही सही ना। बात है। पर जो चीज का हमको फल मिलने वाला होता है, जिस चीज से हमको फायदा होने वाला होता है, तो हमारा माइंड बोलता है कि नहीं बैठा रे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज हमको बहुत कुछ फायदा देने वाली है, मेरे लिए बहुत एसेंशियल है, इसके लिए मुझे कोई प्रकार का पेन, कोई प्रकार का दुख, कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा, राइट, है ना। ओके सो ये हर चीज जो है वो हमारे माइंड गेम के ऊपर ही है। आप अपना मेडिटेशन जब कर रहे हैं, ये इंटेंशन रखिए कि मैं जो चीज कर रहा हूं उससे मुझे फल मिलने वाला है, जैसे कि मुझे पूजा से मिलता है, राइट। आपने ये मुझे बोला कि हाँ मुझे पता है मेडिटेशन का फायदा है, मैं ये आप कॉन्शियस माइंड पे बोल रहे हैं कि आपको पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है उसके बारे में। हो सकता है आपको पास्ट में, कभी लाइफ में, कोई दूसरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां पे आपको मेडिटेशन से कोई फायदा नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए वो स्थिति क्रिएट कर देता है कि आप उससे उठो, पैर में दर्द हो रहा है। सही बात है। अभी अभी मतलब मान लीजिए मैं योग निद्रा भी करता हूँ, तो 40-45 मिनट का योग निद्रा होता है, तो वो भी सोने के टाइम में भी मतलब 50% तो मैं बहुत बढ़िया जाता हूँ, जो भी घूमना है वहां पे घूम लेता हूँ, उसके बाद जो होता है तो मैं वहां पे बैठ भी नहीं सकता, वैसा होता है, सिर्फ बाहर हाँ, तो आना। हाँ, अपने माइंड को ट्रेन करिए, अपने माइंड पे काम करिए, कहाँ पे आपका माइंड ने ये विचार किया है कि आपको इसमें 10 मिनट्स बैठना है, उससे ज्यादा नहीं बैठना है। अगर आप 10 मिनट से ज्यादा बैठे तो मैं पैर में दर्द होने लगेगी, ठीक है। ओके मैम, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? मुझे पूछना था मिलेगा। हाँ पूछिए ना प्रभु। मैम ये जो कोर्स है उस कोर्स का जो मतलब डे टू डे में हमें ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा? देखो डे टू डे में वो ऐसे हेल्प करेगा कि एक तो आप ये चीज समझ लो कि जब भी आप किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से कनेक्ट करते हो, जो भी जो ऐसी चीजें हैं, आपको उससे फल तो जरूर मिलता ही है। आप किस लिए सन से कनेक्ट होते हो, किस लिए मून से कनेक्ट होते हो, किस लिए स्टार्स की तरफ देखते हो, क्या उससे कोई फायदा होता है आपको? अच्छा लगता है सोने अच्छा लगता है, में। ठीक है। तो आपको मालूम है कि सन की उपासना करने से, सन के अच्छा लगने के अलावा भी, सन की उपासना करने से या मून की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी तरफ ध्यान देने से, उनके ऊपर अपने रिचुअल्स करने से आपको कोई ना कोई चीजें लाभ होती है ना, यस मैम, राइट। चाहे वह इवन अगर कल को आपको कोई बताया कि स्टार से भी होता हो तो भी आपको लगेगा कि हाँ उससे भी फायदा होता है। प्लैनेट्स हैं, आपको मालूम है, आप एस्ट्रोलॉजी में भी हैं तो आपको मालूम है, मरकरी, जुपिटर, हमारे ये सारे जो भी नवग्रह हैं या जितने भी ये सब तरह के प्लैनेट्स हैं, उनकी प्लैनेटरी पोजीशंस, उनकी प्लैनेटरी ब्लेसिंग्स हमारे लिए जीवन में कितनी उपयोगी होते हैं, राइट मैम। राइट। सो एनी सेलेस्टियल बॉडी, जब आप यूनिवर्स को एक्सेस करते हो, चाहे वो इवन आप आर्क एंजल्स के पास, एंजल्स के पास क्यों जाते हो, या आप गॉड गॉडेसेस के पास क्यों जाते हो, तो मदद ऑब्वियसली कुछ। आप, हाँ हाँ, तो जितनी भी चीजें ऊपर हैं वो सब आपको मदद करने वाली है, चाहे आप उनसे मांगो या ना मांगो, फिर भी उनके पास पहुंचने तक ही, पहुंचने पर ही आपके अंदर वह एनर्जी आएगी, वो हीलिंग चीज होगी जो कि उनके स्पेस में है। और इसके अलावा तो ऑफकोर्स आप कुछ चाहें तो आप उसके हिसाब से वो चीज को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। ओके
सो जो भी आप इसमें जो भी आप जर्नी कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं आपको एक तो लाभ ही नहीं हो रहा, आप अपने लाइफ के सॉल्यूशंस भी जो चाहते हो, जिन चीजों के बारे में आप जवाब चाहते हो, जिन चीजों के बारे में आप खोजना चाहते हो, जिन चीजों को आप बदलना चाहते हो, वह चीजें भी आपके इंटेंशन के हिसाब से उन चीजों तक पहुंचने पे मदद करेंगे आप। मैडम, ये इसमें आकाशिक रिकॉर्ड का क्या है, कैसे समझाएंगे आप, क्या मतलब? देखिए सेलेस्टियल जो जर्नी है ऑफ कोर्स वो आकाशिक जर्नी नहीं है, लेकिन आकाशिक जर्नी उसका एक छोटा सा भाग है। ओके, इन द सेंस के ऑब्वियसली जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपके को पता है कि आकाशिक लाइब्रेरी भी ऊपर है, राइट? सो आकाशिक लाइब्रेरी में सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, सबके बारे में लिखा पढ़ी होती है, आपके जो भी पास लाइव्स हैं, जो भी जीवन में आपने चीजें की हैं, वह सबके बारे में वहाँ विवरण है। तो वह इंफॉर्मेशन आप कैसे एक्सेस करते हो, कितने एक्सटेंट तक एक्सेस करते हो, वो आपके ऊपर होगा, लेकिन इस जर्नी के दौरान आपको वहां कैसे पहुंचने का, वहां पे कैसे चीजों को देखने का, वो चीज आपको सिखाई जाएगी। बट दिस इज नॉट एन आकाशिक कोर्स। सो आकाशिक कोर्स करोगे तो उसमें शायद और भी चीजें, और ऑफकोर्स शायद ही नहीं, उसमें बहुत सी और चीजें होंगी, लेकिन हम जो चीजें करेंगे वो आकाशिक के अलावा है। सो आकाशिक इज वन पार्ट ऑफ इट, है ना? पर हमारा फोकस जो है वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर। इट इज नॉट जस्ट गेटिंग आर सेल्फ स्टक इन दैट स्पेस वेयर द रिकॉर्ड्स आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स को आप पहुंच सकते हो, उन तक पहुंचोगे और वह चीजों को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। तो वो विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस इसके अंदर इसका भाग है। और फिर उसके साथ में कुछ मतलब अपनी प्रॉब्लम आई तो वो हीलिंग वगैरह भी सिखाते हो उसमें, कि आकाशिक रिकॉर्ड में ये प्रॉब्लम है तो ये हीलिंग करना? हाँ, मैंने पर वही आपको बोला ना कि ये कोर्स आकाशिक कोर्स नहीं है, राइट? हाँ, वो तो कोर्स तो नहीं, पर ऑब्वियसली, हाँ, तो ऑब्वियसली इसका जो दायरिया है, इसका जो देखने का तरीका है, वो वैसा नहीं होगा। सो इट विल नॉट बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ पे आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो अलग अलग के, ये रिकॉर्ड दिखा तो इसको ये है, इसी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यू विल सी इट ऑन अ पेरिफेरी बेसिस के भाई ये इस तरह से होता है, और आप चाहे तो उस चीज को ऐसे डिकोड कर सकते हैं। पर इसका पर्पस वो नहीं है कि भाई हम आकाशिक रिपोर्ट बना रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो हमें हमें ये दिखा, किसी ने हमको ये डाला तो हम उसके ऊपर कैसे काम करें, समझे? वो इसका मेन पर्पस नहीं है। मेरी बात को आप समझ पाए कि हाँ हाँ, यस मैडम, मतलब एक वन पार्ट है, मतलब इसमें 2-3 क्लास रहेगी आकाशिक रिकॉर्ड की, ज्यादा डिटेल्स नहीं होगा, डेप्थ नहीं होगा। हाँ नॉट इवन 2-3 क्लास, मे बी 1-1.5 क्लास। अच्छा, हाँ, सिर्फ क्योंकि अपन उसका अपना आकाशिक फोकस, रिकॉर्ड देख सकते हैं, बस इतना समझाएंगे कि कैसे देखना, कैसे जाना और कैसे अपना रिकॉर्ड देखना, हाँ, करेक्ट। है देखिए ना? आपको क्या है, जब आप आकाशिक का करते हो उसमें आपकी प्रैक्टिस आप उस पे ज्यादा करते हो, है ना? जब आप कोर्स, वही कोर्स करोगे तो ऑब्वियसली उसमें अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग चीजें जिन्होंने देखी फिर वो पूछेंगे, फिर उस पे बात की जाएगी। लेकिन हमारा ये इसका फोकस सिर्फ उस पे रेस्ट्रिक्ट करने का नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी चीजें हैं ना देखने के लिए। नहीं तो अपने कोर्स में क्या मतलब अपने जो इष्ट है या अपने जो हायर सोल है वो सब जानकारी लेना, ऐसा इस कोर्स में? अच्छा, करेक्ट कि करेक्ट, हायर सोल से मिलना, हायर सोल से बात करना, वो सब चीजें होगी अपने इसमें? हाँ, वो ही नहीं होगी। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि हम ऑफ कोर्स देवी देवता से मिलते हैं, हमारे जो उपर्स भी, हमारी 5 लेवल्स होते हैं एज पर शमानिज्म। तो वो 5 लेवल्स में अलग अलग, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अलग अलग किंगडम हैं, एंसेस्टर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं। सो वो सबको तो आप वहां पे अलग अलग जाते ही हो फॉर हीलिंग। तो आप जो जैसे आकाशिक कह रहे हो तो आपका आपके रिकॉर्ड है, तो अगर वो एंजल्स के थ्रू होता है तो वो वहां पे हीलिंग होगी, आर्क एंजल्स के थ्रू होता है तो वहां पे होगी, प्लैनेट्स के थ्रू होता है तो वहां पे होगी, राइट? आपकी मून के थ्रू होता है तो वहां पे होगी, कोई और
कॉन्स्टिलेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं या बॉडीज हैं तो वहां पर होगी, तो वो उस प्रकार से वो अलग अलग चीजें होंगी। अच्छा, मतलब उसमें ये समझ में आया कि ऐसे प्लांट भी अपनी हीलिंग करेंगे, मून सन ऐसे सब हीलिंग हाँ करेंगे अलग हाँ अलग पोर्शन पे, करेक्ट, और अपने को हायर सोल से मिलना होएगा कि अपने हायर सोल को ने उसका पता करना और वो करना, और हाँ। अपन ऐसे सो क्या ग्राउंड होता पे। है, जब हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर हमारी स्पिरिट की बात करते हैं हम जब, ओके। सोल्स जो होती है वो हमारा जैसे नीचे धरती के अंदर होती है, दैट्स आवर सोल, और जो ऊपर है वो हमारा स्पिरिट वर्ल्ड है, ओके। सो हम हायर स्पिरिट, हायर सेल्फ, असेंडेंट मास्टर, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स जितने भी हैं, है ना, वो सबसे ऑफकोर्स उनसे मुलाकात होगी, और उनसे मिलकर हमारे अंदर जीवन में जो हमको मार्गदर्शन चाहिए अपने जीवन में, हमें आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजों में कठिनाइयां हो रही है, थकावट हो रही है, रुकावट हो रही है, वह सब चीजों को दूर करने में वो मदद करेंगे। अभी वो ही नहीं, देखिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल सी चीज बोलो, रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी किसी से बनती नहीं है, पटती नहीं है, किसी से झगड़ा है, किसी के साथ अनबन है, किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट है या कुछ भी, अब देखने को तो ये एक सिंपल सी चीज दिखाई देती है, लेकिन उस चीज में आपका क्या सोल्यूशन है, किस प्रकार से जीवन में क्यों वह अटका हुआ है, क्या उसके पीछे कारण हो सकता है, विच कैन बी फ्रॉम दिस लाइफ, पास्ट लाइफ, एनीवेयर, एनी ऑफ दिस, तो जब आप वो चीज को सामने व्यक्त करेंगे, सामने रखेंगे, उस प्रकार से बहुत सी चीजें खुलेंगी और उसमें से काफी कुछ आपके सामने आएगा, इसकी क्या राइट। 15 क्लास होगी? इसकी 15 क्लास होगी, हाँ, दो दो महीने महीने 16, हाँ 16 क्लास होती हैं। उसके अलावा अगर बाय चांस कभी कोर्स नहीं होता है, कोर्स में कुछ बाकी है, कुछ सेशंस में प्रैक्टिस चाहिए, तो बोनस सेशन भी हो जाता है, लेकिन वैसे बाय डिफॉल्ट जो कोर्स का आउटलाइन होता है उस हिसाब से 16 क्लासेस होते हैं दो। कब कब होगी ये क्लासेस? ये ट्यूसडे और संडे, अच्छा, ट्यू संडे, संडे को दोपहर में। 11 बजे होगी, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि वो चाहते थे कि 11 बजे हो, जिससे कि वो कुछ कार्य, ऑफिस के चीजें जो करना चाहते हैं, मतलब जो फ्रीलांसर्स हैं या जो अपने आप काम करते हैं, वो चीजें सुबह के समय तो वो कर सकते हैं, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं चीजों में, उनको बाहर जाना पड़ता है या चीजें ऐसे, तो इस प्रकार से इसलिए एक संडे को क्लास रखी है, जिससे कि जो लोग कुछ कार्य भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो एटलीस्ट संडे को तो सब घर पे होते हैं, सैटरडे कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो फिर दूसरे दिन भी फिर वो 11 बजे ही रखा है। अच्छा, ट्यूसडे भी 11 बजे और सैटरडे संडे भी 11 बजे। हाँ ओके, ठीक ठीक है। हाँ प्रमिला, आप कुछ पूछना चाहते थे, कुछ आपका हाथ है। है? हाँ, ये मैंने मतलब पूछना चाह रही कि ये एक कंप्लीट कोर्स है कि अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एंड उसे सॉल्व करने का, एम आई करेक्ट, राइट? राइट 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 करेक्ट। थैंक यू। हेलो मैम, लेकिन ये कितने को कितने लेवल रहेंगे मैम? एक सॉरी, आपका आवाज कट गया, क्या बोल रहे हैं? कितने लेवल रहेंगे मैम? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है, अभी मैंने लोअर वर्ल्ड लिया था, लोअर वर्ल्ड अलग है, ओके ठीक है, इस कोर्स में लोअर वर्ल्ड नहीं कवर होगा, ये अपर वर्ल्ड का ही कोर्स, राइट। सो यहाँ पर जितना भी अपर वर्ल्ड में मुझे सिखाना है वो मैं पूरा सिखा, ओके अच्छा, okay? दोनों में सेकंड, डिफरेंस क्या है मैम? लोअर वर्ल्ड में बहुत अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। मैंने पहले, इससे पहले बेसिक कोर्स लिया था शमानिज्म का, जिसके अंदर हमने अपर, लोअर वर्ल्ड और मिडिल वर्ल्ड के बारे में बातचीत की थी ज्यादा, और उसमें ज्यादा हमारा फोकस लोअर वर्ल्ड पे ही था, क्योंकि शुरुआत हम लोग लोअर वर्ल्ड में हमने की थी, ओके okay? क्या होता है, हमारे लिए नीचे जाना थोड़ा आसान होता है, ऊपर जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। और नीचे जो है वह हमारी सोल ट्राइब्स हैं, हमारे बारे में है, हमारा शेडो सेल्फ है,
हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे फियर्स, हमारे फोबियाज, हमारे फिजिकल इश्यूज जो होते हैं, वह सब ज्यादा लोअर वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। पर जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने आप को उभारना होता है, बढ़ाना होता है, अपने आप को चीजों में सफलता हासिल करनी होती है, इन टर्म्स ऑफ कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा मकसद है, क्यों आए, राइट? सो वह सब के जवाब हमको ज्यादा अपर वर्ल्ड में। मैम ये शामानिज्म है तो उसमें 5 लेवल है ना, लेकिन मैम शामानिज्म क्या, सॉरी, शमानिज्म है तो इसके, है ना ये, हाँ, इसमें 5 लेवल्स रहते हैं ना कुछ। अपर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, अपर वर्ल्ड में। ये तो कुछ आइडिया नहीं है कुछ, अपर वर्ड तो मैंने आज ही सुना, इसलिए इतना नहीं ध्यान है मुझे कुछ। नहीं, अपर वर्ल्ड में जो आप 5 लेवल्स बोल रहे हो, जैसे कि आपका थीटा में होता है, आप 7 लेवल्स के करते हो, राइट? तो नहीं उस नहीं प्रकार से, क्लासेस हाँ, बोल रही हूँ मैं, यानी 5 लेवल्स तक रहता है ऐसा, एक नहीं, लेवल देखिए, फिनिश होने के बाद। शमानिज्म, शमानिज्म जो है वो बहुत ही वाइड, बहुत ही बड़ा, बहुत विस्तार उसका सब्जेक्ट है। इसको आप एक चीज में नहीं कर सकते हैं, इन द सेंस के ये जो जर्नी है, जो जर्नीज हम कर रहे हैं, जैसे कि अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड। मिडिल वर्ल्ड तो ऑफकोर्स कोई सिखाता नहीं है, लो अपर वर्ल्ड भी आपको हार्डली कोई टीचर मिलेगा जो सिखाता होगा, लोअर वर्ल्ड की थोड़ी एक ज्यादा होती है, लेकिन ये 3 वर्ल्ड की जर्नी जो है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। पर शमानिज्म में तो बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका ब्रेथ वर्क है, आपका जो एक्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग की जिंदगी कैसे जीनी है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, राइट? सो ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा है विस्तार में, उसका एक छोटा सा हिस्सा है इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू दीज प्लेसेस एंड गेटिंग हीलिंग डन, बट इट इज नॉट जस्ट एवरीथिंग इज, दिस इज नॉट जस्ट शमानिज्म, मतलब सिर्फ यही शमानिज्म नहीं है। लेकिन क्या है, आप एनिमल्स हीलर्स पे हो, और ये है ना, एनिमल्स हाँ, और इस सो हाँ, करेक्ट। सो पावर एनिमल्स जो है, पावर एनिमल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके साथ जो हम एनिमल टोटम्स हैं, राइट? अभी देखिए, आप अलग अलग जगह की, अलग अलग प्रांत की अगर बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह की, चाहे आप साइबेरियन की, मंगलोरियन या नेपाली, तो अलग अलग इवन जो आपकी स्पिरिट्स, ये एलिमेंट स्पिरिट्स हैं, जैसे मैं पंच तत्व ले रही हूँ, तो पंच तत्व हीलिंग भी हमारे आयुर्वेदा में है, टीसीएम में है, पर स्पिरिट, एलिमेंटल स्पिरिट्स का जो ये हीलिंग है वो इसमें भी है, शमानिज्म में बहुत विस्तार पूर्वक है, बहुत कुछ है उसमें। उसी तरह से आप विंड है, वाटर एनर्जीज को कैसे यूज करते हैं, उनसे कनेक्टेड रिचुअल्स एंड सेरेमनीज भी बहुत सारी हैं, और अलग अलग जगह के हिसाब से, वहां की ट्राइब्स के हिसाब से उनकी जो रिचुअल्स एंड सेरेमनी है वो भी बहुत सारी है। इसके बावजूद कि उसमें काफी कुछ कॉमनैलिटीज भी होंगी, लेकिन अपनी अपनी भी है। प्लांट मेडिसिन के ऊपर बहुत कुछ है वो जो कि कैसे काम आजकल आता है बहुत मैम, फेमस है। हाँ जी, वो कैसे काम आता है प्लांट्स का? क्यों, प्लांट्स में अगर आप पढ़ोगे तो आप अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे, अगर आप पेरू के बारे में, जगह के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे ऐसी अलग अलग तरह के जड़ी बूटियां, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, जिनकी के इन आप उनको बना के, उनको मतलब उनकी इंटॉक्स ये लेते हो फॉर रिलीजिंग यू फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स और ऑल्सो टेकिंग यू इन ट्रांस। सो बहुत सी चीजें की जाती हैं वहां पर, प्लांट मेडिसिन से रिलेटेड। अच्छा ओके अभी एनिमल्स भी आप जब ओके बात कर रहे हो, तो अलग अलग एनिमल्स जो है वो आपके जीवन में क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, क्या उनका एस्पेक्ट है, किस प्रकार से वो आपका पावर एनिमल, कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं है, गाय भैंस नहीं है जो आप सोच रहे हो कि जिसको आप पकड़ के खूंटी से लगा दो, राइट? क्योंकि आजकल हमारा प्राण देखने का तरीका क्या हो गया है, एनिमल को हम अपने से नीचा ही दर्जा देते हैं, हम अपने आप से नीचा समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो हमसे कमजोर है, वो कम हासिल है, उनका दिमाग कम है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, कि एक जगह पे जो प्लांट, आपको मालूम है एनिमल्स का बहुत ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू अनदर कंट्री, बेचारी गाय भैंस जो है बड़े बड़े शिप्स के अंदर वो जाती हैं, राइट? क्योंकि उनको दूसरी जगह भेजा जाता है, और ऑफकोर्स भारत तो
हम काफी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ बीफ, जबकि हम बीफ पे खुद विश्वास नहीं रखते खाने में, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें एक योगदान है हमारा। सो जब ये इतनी गाय भैंसे यहाँ से जाती हैं, राइट, जहां पे भी जा रही थी, वो कौन से देश मेरे को मालूम, तो वो एक ऐसी जगह पहुंची और वो पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड थी, उनको पानी की पूरी तरह से उन पानी पीने को नहीं मिला था, और वो मतलब हताश हो रही थी और वो थी। तो वहां पर उन्होंने एक वाटर टैंकर बुलाया बड़ा, टू गिव वाटर टू ऑल दीज एनिमल्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फोटो पब्लिश की गई थी कि सारे जो भैंसे हैं, गाय हैं, वो एकदम लाइन में बराबर तरह से खड़ी हुई एक गोल करके, और उन्होंने जो जितने जैसे पहले लोगों ने पिया, फिर वो हट गई, फिर दूसरी, जो कमोशन क्रिएशन केओस हम इंसान क्रिएट करते हैं अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां पर के हमारे पे लाइफ थ्रेटनिंग चीज है, तो हम सब एक दूसरे को मार पीट के गिरा फिरा के उथल पुथल करके वो चीज को लेने की कोशिश करेंगे, एक स्टैम्पेड क्रिएट कर देंगे। और ये एनिमल्स हैं जो समझदार हैं, समझ पाए कि वह मुसीबत में हैं और उनको कुछ चीज को अगर लेना है तो बिलीव इन द ऑर्डर ऑफ लाइन, और उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को ये संतुलन में रखा, राइट। तो ये हमारी सोच है कि जानवर हमसे कम दिमाग वाला है और हम सुपीरियर हैं, हम कंट्रोल करते हैं उनको और हम उनका फायदा भी उठाते हैं, तो हम आश्रित हैं उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर आश्रित नहीं है। ये तो हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उनको आश्रित होना पड़ रहा है, राइट। सो इसमें पावर एनिमल्स के ऊपर वो फैक्ट कि भाई किस तरह से वो एनिमल, ऑफ कोर्स आपका रियल एनिमल नहीं है, उसके बावजूद वो जाए आपकी इमेजिनेशन में है, वो आपके सामने आए, पर फिर भी वह आपको वह सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है जो कि आप में कमियां हैं आपके जीवन में। ठीक है, ठीक है ठीक और किसी को कुछ सवाल पूछना है? हाँ नमस्कार। मैं जी, नमस्ते। नवीन हिमाचल से बोल रहा हूँ जी। मैम हाँ, एक्चुअली अभी आपने बताया इसके कोर्स के बारे में, तो आपने बोला 15 क्लासेज हैं इसकी, तो जो आप सोलह गाइडेड जो आपने बोला, हाँ 16 क्लासेज हैं, तो आपने बताया कि यहाँ पे माइडेड जो सॉरी गाइडेड मेडिटेशन होगा इसमें, तो ये हर दिन हाँ रहेगा? नहीं, मतलब मीन्स 16 क्लास, मतलब तो हफ्ते हमें 2 दिन क्लास होती है ना, इस तरह से कोर्स कवर होता है, तो 8 क्लासेस 1 महीने में होती है, 8 क्लासेस दूसरे महीने में होती जी है, राइट। तो ट्यूसडे और रविवार जो है, मंगलवार और रविवार उसका दिन है 11 बजे, तो वो दिन हाँ जो हमारा कोर्स होता है उसमें जरूर मेडिटेशन होती हर दिन होती है, हर है। कोर्स में, हर क्लासेस में मतलब। और हाँ, हर दूसरा, क्लास में हाँ इसका अट्यूनमेंट भी होता है मैम इस कोर्स में? नहीं, इसका अट्यूनमेंट नहीं होता, कई लोग कुछ इनिशिएशन ये करते हैं एंड ऑल, बट ये कोई नहीं होता है इसके अंदर, मीन्स आई डोंट डू इट नॉर इट इज डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि ये हम कोई शामंस नहीं है या वो नहीं है जो आपको इसके, देखिए आप जो ये कोर्स सीख रहे हैं और जो आपको बताया जा रहा है, इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन, यूजुअली ये सब कुछ बहुत परिश्रम, बहुत कुछ करने के बाद आप चीजों को हासिल करते हो, चीजों पे वो करते हो, तो इसमें ये प्रोसेस कोई कम समय में या कम चीजों में करने का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी तरफ से हमेशा चीजों तक को पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश की है और किया भी है, सो दैट पीपल लर्न मोर देन व्हाट वो कहीं और कर सकते हैं या करने में उनको अलाउ होता है। तो इसमें मैं अट्यूनमेंट नहीं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपका नॉर्मल आपको विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, मतलब आपको सिखाया जाता है जो थ्योरी है, उसके साथ साथ हमेशा क्लास में एक या दो तो मेरी होती ही है मेडिटेशन। थैंक यू मैं मैम। एक संडे का टाइम मेडिटेशन कौन सा करवा रखा दो आपने? ना मैम। हाँ जी, संडे का टाइम जो आप बता रहे हैं 11 बजे से, तो मैम एक्चुअली संडे में हमारा काम थोड़ा बिजी होते हैं हम लोग, तो मॉर्निंग में या शाम को नहीं हो सकता शिफ्ट? ये एक कौन बोल रहा है? नवीन ठाकुर बोल रहा हूँ जी, हिमाचल से। सेम हाँ नवीन जी, आपने तो कहा था 11 बजे रखने को ना।
नहीं, मैंने नहीं बोला था जी कभी भी। मैं तो, हमारा तो संडे को भी ना काम होते हैं एक्चुअली, या तो मॉर्निंग में हो जाए या तो शाम को हो जाए, ये तो। मॉर्निंग में, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे क्लासेस ही 11 बजे तक शुरू होती है ना, इससे पहले तो कोई क्लास है ही नहीं ना एकेडमी में। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बाहर रहती हूँ, तो मैं तो आप लोग से 4.5 घंटे आगे हूँ, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे मेरे लिए तो अच्छा है अगर पहले शुरू। एक्चुअली क्या है मैम कि ये बिटवीन द डेज है ना, तो ये बीच में 11 बजे तो ना तो मतलब सुबह का टाइम आया ना तो इवनिंग का टाइम आया, पूरा दिन होल्ड हो जाता है इसके पीछे। नहीं, तो एक बात बताइए, देखिए 11 बजे से पहले क्लास होती नहीं है, है ना? तो देर इज नो बैच बिफोर 11 o'clock। ओके फिर अगर आप शाम की बात करेंगे, शाम में कोई भी बैचेस अवेलेबल अभी है ही नहीं। आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो फिर? फिर वो अगर हम 4 बजे रखते हैं तो क्या आपको ठीक है? क्योंकि आप खुद ही बोल रहे थे 4 बजे आपको कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, मैंने नहीं बोला मैम, मैं तो फर्स्ट टाइम ही बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं तो बोल रहा था कि 4 बजे के बाद तो कब, या तो 4 बजे के बाद हो या तो मॉर्निंग 9 बजे से पहले हो जाए, क्योंकि पूरा दिन होल्ड हो जाता है ना जी उसके पीछे, पूरी जो मतलब छुट्टी जो हमारा कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो छुट्टी के दिन ही हो पाते हैं ना जी। नहीं, 1 मिनट। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरे कोर्स में दूसरे नरीन जी हैं, उन्होंने यस 11 बजे, मैम, हाँ मैं भी ये हूँ। अलग। हाँ, हाँ, करेक्ट। हमने 11 बजे, एवरीबॉडी वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट 11 o'clock मैम। बहुत लोगों को जो आपका पहले का शामानिज्म क्लास जो 11 o'clock को होता था, वो बहुत आपके स्टूडेंट्स को वो टाइम अच्छा था, इसलिए अभी इस कोर्स को हमने 11 o'clock हाँ, चुना, नहीं तो 4 o'clock होने वाले थे। ये संडे वही। इसलिए रखा है कि मेनी पीपल वांटेड 11 o'clock, और हाँ, क्योंकि 11 o'clock बहुत से मेडिटेशंस स्टूडेंट्स, हम एंजॉय कर रहे थे पिछले दो कोर्सेस में। दैट्स इट, है ना इसीलिए मैम? रखा। दैट इज हाँ, व्हाट वी करेक्ट। डिस्कस्ड इन द ग्रुप, नो? अभी जैसे नन्नी जी है, इनफैक्ट मुझे मालूम है ट्यूसडे का उनको 11 बजे का अभी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो सिर्फ ये महीना में ऑलमोस्ट मतलब 2 क्लासेस पढ़ेंगी या कुछ, फिर तो आपकी छुट्टी शुरू हो जाएगी ना। हाँ मैम, ना मुझे छुट्टी मिल जाएगा। हाँ, सी, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है, 11 से पहले हमारा कोई बैच नहीं है ना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे 10 बजे बोलते थे, मैं 10 बजे, पर देर इज नो बैच ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब ये कब ऑफ से शुरू एकेडमी। होने वाला है सर मैम? ये तो अभी 16 से ही करने की बात कर रहे हैं वो। 16 से? मैम मे हो तो अच्छा होता मैम, मे जून, ओके, बिकॉज लेट मी इवन टॉक। पंचतत्व 5 क्लास हो गया है अभी तो, मुझे वो ऐप भी यूज करना नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू वॉच, आई मिस्ड 2-3 क्लासेस, आई एम नॉट एबल टू सी द रिकॉर्डिंग, ये हो रहा है, वो एक्चुअली ऐप नहीं आ रहा है मैम। ओके, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, नहीं वे तो आई विल ये लॉक मैम, आई विल ट्यूसडे लॉक से नहीं तो संडे से अगर स्टार्ट करेंगे तो संडे, कमिंग मैम, संडे से। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। हाँ, संडे से स्टार्ट करने से सही होगा मैम। हाँ, मैम संडे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट। विल बी अवेलेबल। हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलता है, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप रिकॉर्डिंग में एग्जैक्टली जितना है वो सब होता है, उसके अलावा भी मैं पूरा कोर्स डेट का नोट्स देती हूँ, जो भी मैं क्लास में शेयर करती हूँ वो पूरा आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाता है, मतलब आपको उसका पूरा मिल जाता है, जो भी मैं क्लास में, मैं कुछ अपने पास नहीं रखती हूँ, सब आपको दे देती हूँ। और उसके अलावा अगर आपको ऑडियोज भी चाहिए होते हैं तो वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ, जो कि ग्रुप के ऊपर, या जो ये विद रिस्पेक्ट टू आर मेडिटेशंस, जो भी मेडिटेशंस होते हैं, ओके मैम, सो वो सब प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। सो नवीन जी, वही प्रॉब्लम है, सॉरी मैं हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वी डोंट हैव एनी बैच बिफोर 11। इट्स ओके मैम। और फिर क्या होता है कि 4 बजे का बैच क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, किसी को भी बाहर जाना है, कुछ भी करना है अगर संडे को भी, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं मैम, एक्चुअली आई हैव डन लामा फेरा विद दिस एकेडमी ना, तो उस टाइम भी मेरी अच्छा, जितने भी क्लासेस थी वो इन बिटवीन, कभी वो मेरे ऑफिस टाइम के अकॉर्डिंग आए, कभी को फिर सब, मैक्सिमम मैंने वो पूरे का पूरा कोर्स जो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू ही करा, तो रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो हम नहीं पता कर सकते ना जी, ये करेक्ट। थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती है, और ये थोड़ा सा ये बीच में आ जाता है, या तो थोड़ा लेट करें ये 7 से 8 बजे के बीच में आए, या तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारा ये पूरा दिन का जो टाइमिंग होती है बेसिकली वो कवर हो जाती है।
हाँ लेकिन मेन इशू है कि दैट टाइम इज नॉट अवेलेबल. ओके आई ओके डोंट हैव उस टाइम पे ऑलरेडी एक क्लासेस बुक्ड हैं, ओके सो वो टाइम अवेलेबल ही नहीं. ओके इट्स और ओके क्योंकि माय स्टूडेंट्स वांटेड के मैं 11 बजे का टाइम रखूं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, सो इसके लिए वो रखा. और यस, अच्छा बहुत अच्छे, बहुत लोगों को वो 11 o'clock बहुत अच्छा वो लग रहा था मैम. एक्चुअली मैम सो को मैक्सिमम लोग जो थे ना उसकी वो वी एंजॉय ऑप्शन 4 months with 11 o'clock या मेडिटेशन एट संडे. हाँ. सो अब ऑन काफी मेरे जो संडेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरा कोर्सेस किए हैं, वो शमानिज्म का स्टार्टिंग से कोर्स कर रहे हैं. ये उनका फोर्थ कोर्स होगा इन दैट लाइन ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. ऑलरेडी बुक क्लास में इनको ऐड कर दीजिए मैम, ताकि इनको आसानी हो जाएगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो बुक क्लास है उनको और इनके टाइमिंग में उनको ऐड कर दीजिए एक पर्सन को, ताकि इनको भी दिक्कत ना हो और इनका जो क्लास है वो पूरी तरह से अटेंड कर सके और अपनी ड्यूटी भी कर सके। नहीं पर वो ज्वाइन करना चाहेंगे तो ही मैं ऐड कर सकती ना. मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? उसका टाइमिंग क्या रहेगा बता दीजिए, उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर लेते हैं जी। नहीं, किसका टाइमिंग? टाइमिंग तो 11 बजे ही है ना. नहीं सॉरी, नहीं आप जो किस सर सर बता रहे हैं ये अच्छे बोल रहे हैं कि यदि मेरी टाइम के अनुसार कोई नेक्स्ट मतलब पीछे कोई प्रीवियस बैच चला है तो उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं यदि एक बार पर्सन की हो पाई तो। प्रीवियस बैच? नहीं, देखिए जो मेरे दूसरे 3 शमानिज्म के कोर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं. ओके हाँ, तो वो तो पूरे हो गए हैं, उसके बाद ही ये शुरू हो रहा है. तो उनमें से कोई बाकी नहीं है. अभी मेरा जो कोर्स चल रहा है जो 4 बजे का है वो है पंचतत्व का, और इसके बाद जो कोर्स आएगा वो एंसेस्ट्रल डीएनए से, अगर वो आया तो वो मई में, बट दैट विल बी अगेन वो 4 o'clock होएगा. लेकिन अदरवाइज मेरे सारे जो कोर्सेज हैं, इवन मदर वूम हीलिंग, वो भी खत्म होने वाला है 4 बजे. सो अभी कोर्स 4 बजे वाला नहीं है कोई. आपके जो कौन कौन से कोर्स चलते हैं मैम, अभी जो आपने नाम बताया उनका थोड़ा थोड़ी थोड़ी में ट्रांसलेट कीजिए ना, इन्फॉर्मेशन एक दीजिए पंच तत्व है, पंच तत्व. अच्छा पंचतत्व में क्या क्या होता है। हाँ, वो 5 elements के बारे में. सो पंच तत्व जो है, जो हमारे 5 तत्व हैं जिनकी हमारी बॉडी कंपोज्ड है, जो कि एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्पिरिट, राइट? ये हमारे 5 जो तत्व हैं, वो तत्व बाहर भी वही तत्व हैं और वही हमारे शरीर के अंदर, राइट? तो हमारे शरीर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिसीज आती है, कोई भी इश्यू होता है, तो कहीं ना कहीं ये 5 तत्व हिल जाते हैं, या उनमें से कोई हिला हुआ होता है या कोई डिसबैलेंस्ड होता है. तो उस कारण से हम वह परेशानी अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या कोई भी चीज, राइट? सो जब हम उसको ठीक कर देते हैं, उस चीज को बराबर कर देते हैं, तो वह परेशानी या वह दिक्कत या वह ऑब्स्टिकल जीवन में दूर हो जाता है. तो ये पंचतत्व उसके ऊपर बेस्ड है. तो हमने वो स्टार्ट किया है, उसकी 4-5 क्लासेस हुई हैं. उसमें हमने अर्थ एलिमेंट के ऊपर से स्टार्ट किया है. सो जब भूमि तत्व की बात कर रहे हैं, तो भूमि तत्व सबसे डेंसर तत्व होता है, सबसे निचले उससे में आता है. तो जो भी तत्व हम लेते हैं, वो तत्व का अंडरस्टैंडिंग कि वो तत्व किस चक्र से कनेक्टेड है, किस कलर से कनेक्टेड है, किस एंजल से कनेक्टेड है, उस अर्थ उस एलिमेंट के कम होने से या ज्यादा होने से क्या परेशानी क्रिएट होती है, उस तत्व को बॉडी के अंदर हम कैसे स्कैन करें, किस प्रकार से ढूंढे कि वह तत्व कैसे दर्शाएगा हमारे जीवन में या हमारे शरीर के अंदर कि वह कम है या ज्यादा है. और हम जैसे अलग अलग तत्व हैं, सो हम जब पंच तत्व अर्थ एलिमेंट, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर विजुअलाइजेशंस हैं, बहुत सी अच्छे अच्छे मेडिटेशंस हैं, अलग अलग तरह की मेडिटेशंस हैं. सो उसमें हम जैसे अभी हम एंसेस्टर्स का कर रहे थे, तो अर्थ तत्व का कर रहे थे, तो पृथ्वी तत्व का, तो हमारा पूर्वजों से कनेक्शन उसका होता है, तो वो पूर्वजों के साथ भी मेडिटेशन है.
और जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है या जो भी डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा आर्केंजल है, यूरियल है, तो उनके साथ विजुलाइजेशंस है कैसे उनके। और उसी प्रकार से अब वाटर हमने स्टार्ट किया है, तो पानी कैसे होता है शरीर में, किस प्रकार से उसका प्रभाव होता है, कैसे वो खराब होता है तो हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, किस बीमारियों में वो दर्शाता है अपने आप को, तो उसमें फिर वाटर मैनिफेस्टेशन या ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। सो हर एक तत्व का अलग अलग है। अब हवा है, एयर है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सोच विचार बिलीफ सिस्टम्स कैसे उससे इम्पैक्ट करते हैं, तो उसमें हर चीज को लेकर अलग अलग समझदारी और कैसे मेडिटेशन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, वो सब है। फिर वूम हीलिंग है, जो मदर वर्थ वूम हीलिंग है, वो बहुत अच्छा कोर्स है स्पेशली औरतों के लिए। तो उसमें हमने सारी चीजें कनेक्टेड टू, ऑफकोर्स मर्द भी कर सकते हैं इंसान, मीन्स मेल मेंबर्स भी कर सकते हैं, पर फीमेल्स के लिए, क्योंकि स्पेशली जब आपने लाइफ में अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस की हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, इन टर्म्स ऑफ आपके बर्थिंग, आप कैसे पैदा हुए, आपके परिवार में और कौन कैसे हुए, किस किसी ने मिस कैरेज, मिस अबॉर्शंस, कितने आपके प्री बर्थ, सी सेक्शन, सब कुछ जो है उससे रिलेटेड हमने EFT प्रोटोकॉल और विजुलाइजेशन द्वारा वो सारी चीजें की हैं। सो उसमें कुछ 15-20 अलग अलग तरीके के जो चीजें हमको हमारे जीवन में हमने एक्सपीरियंस की हैं, हमसे लेकर हमारी मदर, मदर से लेकर हमारे एंसेस्टर्स तक, उसकी पूरी क्लियरिंग की है। तो वो चीजें हमने की। और शमानिज्म के बेसिक कोर्स जो मैंने बात की थी, फिर लोअर वर्ल्ड की, जहाँ पे हम अपनी सोल को मिलते हैं और हमारे और सब चीजों पे काम करते हैं, वो किया। और उससे पहले मैंने एडवांस एंसेस्टर कोर्स लिया था, जिसमें कि हमने एंसेस्टर्स के साथ जितने भी रिचुअल्स होते हैं अलग अलग तरह के, वह सब रिचुअल्स किए थे, वह सब चीजें की थी। उससे पहले मैंने CBT का कोर्स लिया था, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, जो कि हमारे दिमागी खेल, दिमागी तौर तरीके, दिमाग से कैसे हम बिलीफ्स को करते हैं, कार्य करते हैं, और कैसे कॉग्निटिव लेवल पे काम करते हैं, तो वो किया था। और फिर मैंने एक और कोर्स लिया था जो होलिस्टिक हीलिंग का था, जिसमें कि 8 तरह की अलग अलग तरह की पद्धति सिखाई थी मैंने, जो कि आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो फॉर बैलेंसिंग योर लाइफ। तो उसमें जैसे सुजोग है, मेरिडियन थेरेपी है, मुद्रा थेरेपी है, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज मैंने की थी। सो वो कोर्सेज मैंने लिए हैं, तो पर ये सारे कोर्सेज अब ऑलमोस्ट अब खत्म होने को आ रहे हैं। सो अब ये नया कोर्स शुरुआत हो रहा है और पंच तत्व चल रहा है नया, और फिर नेक्स्ट मंथ जो और आएंगे। अभी ये चालू है, इसका क्या नाम है जो चालू होने वाला है? इसका नाम ये सेलेस्टियल हीलिंग ना, अपर वर्ल्ड अपर हील, अपर वर्ल्ड वर्ल्ड। जर्नी, अच्छा, यानी कि ऊपर की दुनिया पार्ट के ऑफ बारे शमानिज्म। हाँ करेक्ट। ये टेरो में पंचतत्व। भी काम आ सकता है क्या हमें ये? टैरो पे देखिए, आप दो चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं साथ में, आप टैरो को भी ले सकते हैं। देखिए टैरो क्या है, आपका डिविनेशन मेथड है, एक तरह का एक मेथड है जिसपे आप फोकस करते हैं अपने सॉल्यूशंस के लिए, अगेन है ना। सो आप वो कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, कार्ड्स में आपको मीनिंग ढूंढ रहे हो, आपके कार्ड्स कौन से आ रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। सो आप कोई भी मोडालिटीज को ऐसा चाहें तो आप उनको, दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी चीज इमोशनल एस्पेक्ट को लेकर आती है, जैसे इवन इन टर्म्स ऑफ पंच तत्व भी, हम जब वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके कार्ड में वो रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ कप्स, राइट। अगर आपका आप अर्थ एलिमेंट ले रहे हो तो पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं उस तत्व को, राइट। सो आप कार्ड निकालो और फिर उसको उस हिसाब से इंटरप्रेट करो और फिर उसको अर्थ के विजुअलाइजेशन में यूज करो, सो यू कैन ज्वाइन टुगेदर। द सेम वे आप इसको भी उसमें यूज कर सकते हो, आकाशिक के भी जो नॉलेज है उसको भी इसमें यूज कर सकते हो, मैडम, राइट। मैं पंचतत्व के जो अर्थ है उसके बारे में एक स्वप्न विचार जानना चाहता हूँ। अगर उस वास्तु में, वही वास्तु में मुझे सपने में जमीन से
हाथ आके खींच देती। ये जो स्वप्न है मुझे अनेक बार 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 रिपीटेड पड़ चुका है, वही उसी घर में। उसको क्या रीजन हो सकता है आप बताएंगे? नहीं, आपको स्वप्न आ रहा है, आपका क्या हाथ खींच रहा है? हाथ खींच रहा नहीं, वो स्वप्न में जमीन से हाथ आ रहे हैं और वो मुझे खींच हाँ, रहे हैं हाथ से। आधा करेक्ट। ही हाथ आ रहा है, जो अपना जो आधा हाथ होता है ना जिसपे वो हम रोटेट करते, वहां से उतना ही हाथ दिखता है बस। ये जो स्वप्न है मुझे कई बार पड़ चुका है। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसका पंचतत्व के हीलिंग उससे कोई कनेक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी। तो जो आप बोल रहे हो, आपको जब अपने आप को आप खींचते हुए देखते हो, आप अपने आप को क्या किस कैसे समान में देखते हो, मतलब आप किस एज में देखते हो अपने आप को? नहीं, एज वगैरह कुछ नहीं दिखता है, बस नींद हाँ में वो हाथ, दोनों हाथ आते हैं, दो दिखते हैं हाथ और खींचते। हाँ, तो वही आपको मैं इसके लिए ये पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एंसेस्ट्रल कर्स है। ठीक, सो आप इसके ऊपर ध्यान दो कि जब आपको, ठीक है, आपको सोते हुए आता है, रात के टाइम में आता है, रात रात के सपने में आता है जब आप सुबह उठते हो। रात के सपने में, हाँ, रात के सपने में आते हैं, आपको याद रहता है पूरी तरह से, यस आपको पूरी तरह से याद रहता है, आप सुबह उठते हो, आपको वही सपने पूरा दिखाई दे देता है ना? यस राइट, हाँ है ना? तो अभी जब आप सोने जाओगे तो आप ये इंटेंशन रखे जाओ कि मुझे वो स्वप्न दिखाई देता है, लेकिन आज मैं उस स्वप्न के पीछे क्या कारण है उससे मिलना चाहता। अच्छा, ठीक लेकिन और एक रीजन है, एक बताना चाहता हूँ। वो जिस जगह पे पड़ता था वो जगह छोड़ने के बाद और कोई भी जगह में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे तो दो मैं तीन घर है, जो जो वो जो वास्तु है वही में वो गिरता था स्वप्न। हाँ, तो वो ठीक है, पर वो जगह का कोई ना कोई लैंड का कुछ कनेक्शन है हाँ, जो ये कि बिल्कुल सही। आपके, हाँ, एंसेस्टर्स का कुछ उसके साथ लेना देना है। सो वो हाँ, घर आपका पुश्तैनी घर है? वो खुद का था, हमने सेकंड लिया था, सेकंड घर मतलब वो आपका नहीं था, किसी और, कोई और पहले वहां रहता था, राइट? किसी और का था, जो हाँ एक दूसरे आदमी ने, थर्ड पार्टी ने बीच में दो रूम बना के वो हम बेच दिया, तो हमने वो रेडीमेड ले लिया और उसमें रहने लगी। हाँ ठीक है। हाँ, तो पर उसके लिए ये जानना, देखो कभी कभी लैंड की खुद की एनर्जी होती है, वो जगह की खुद की एनर्जी अफेक्टेड होती है। तो आप उस घर में जब रहने गए, आप उसके घर की स्पेस क्लियरिंग करनी चाहिए थी, इस जगह को आपको एक तरह से उसका स्कैन करनी चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी में आपका पहले जो रहने वाले थे, क्या उनका कोई अंश, कोई उनका जगह, उनकी कोई चीज वहां अटकी हुई है? सो ये बहुत मतलब ये बहुत स्पेस एनर्जी के हिसाब से देख के फिर उसको उसके ऊपर काम होता है। हाँ, कुछ ना कुछ रीजन है, तो ही वो तभी वो मुझे खींचने चाह रहा है, या हाँ तो मुझसे उसका कुछ काम होगा, हाँ कुछ तो उम्मीद मेरे से जुड़ी हुई है उसकी। हाँ करेक्ट। तो आप ऐसा, अभी क्योंकि आप इतना ध्यान रखते हो, आपको चीज याद रहती है, तो आप ये चीज सोच के सो कि अपने तकिए को बोल के सो कि मैं आज सो रहा हूं, जब मैं सोऊंगा तो मुझे वो स्वप्न जो बार बार आता है, वो स्वप्न के पीछे क्या कारण है, उस जने से, उस व्यक्ति से, या उस एनर्जी से मुझे मिलना है, मुझे समझना है वह मुझे क्यों यह चीज कर। मैं आज वो प्रॉमिस करके सो जाता हूँ, देखते उसका कुछ रीजन मिल पाता है क्या सपने में। हाँ, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अपने आप पे विश्वास रखिए। हम हाँ बिल्कुल, इस पे काम करते हैं तो हमको सब जवाब मिलता है। जब चीज हम नहीं समझते हैं कि वो हमको देगी, तो वो नहीं देती। थैंक यू। सो देन वील एंड द सेशन टुडे बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम, एंड होप टू सी Whoever is interested, they can join in, right? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, So, ma'am. yeah, thank you, everyone.